हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राजेश रंजन और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर रोज वीडियो डाला जाता है और झारखंड टेट की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह झारखंड के भाषा से संबंधित है और झारखंड में कितने प्रकार के भाषा बोले जाते हैं और कौन कौन बोलते हैं उससे संबंधित आज मैं वीडियो बनाया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको और भी कैटेगरी के वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज देखिए। प्लेलिस्ट में तैयार कर दिया हूँ आपकी मांग के अनुसार, और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अलग अलग विषय के वीडियो डाला हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कि झारखंड के भाषा के बारे में पढ़ेंगे, झारखंड की भाषा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात है फ्रेंड्स कि झारखंड के भाषा को दो भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में झारखंड के भाषा को विभक्त किया गया है। सबसे पहले जो है वो जनजातीय भाषा है, जनजातीय भाषा, और दूसरे में है फ्रेंड्स गैर जनजातीय भाषा। इसको सदानी भाषा भी बोलते हैं, सदानी भाषा। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जनजातीय भाषा वैसे भाषा जो जनजाति बोलते हैं इस राज्य के जनजाति, क्योंकि यह राज्य की पहचान जनजातियों से है। और जनजाति किसे कहते हैं तो आप जानते होंगे इसकी परिभाषा। और ये जो है गैर जनजाति है, जो जनजाति नहीं है, जो जंगलों में नहीं रहते है ना। जनजाति का मतलब जो जंगलों में रहते हैं, जिनका इस राज्य से रिश्ता बहुत पुराना रहा हो, गहरा रिश्ता रहा हो, उसे जनजाति कहते हैं। और ये गैर जनजाति है, इनका भी रिश्ता रहा है, ये भी झारखंड के मूल निवासी हैं, लेकिन ये जनजाति नहीं है, इसलिए इनको गैर जनजाति कहा गया या तो सदानी कहा गया है। तो जनजाति में कितने प्रकार के भाषा है फ्रेंड्स? पहला में आप देख लीजिए, आपको संथाली, संथाली भाषा है। दूसरे में है कुड़ुक, कुड़ुक कहिए या तो कुड़ुक कहिए, है ना। तीसरे में है खरिया, खरिया या खड़िया। चौथे में हो, और एक है मुंडारी। पांच भाषा इधर देखिए, इधर सबसे पहले है कोरठा, फिर आपको आगे पंच परगनिया, तीसरे में है नागपुरी, चौथे में है कुरमाली। तो ये फ्रेंड्स झारखंड के भाषा को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाग में जनजातीय भाषा है, दूसरे भाग में गैर जनजातीय भाषा है। इसके याद करने का ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, आप टेंशन मत लो। तो यहां पर हम बात करते हैं जनजातीय भाषा को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाग में जनजातीय भाषा है, दूसरे भाग में गैर जनजातीय भाषा है, यानी कि सदानी भाषा इसको बोलते हैं। यहां तक दिक्कत नहीं है, इसको हम याद रखेंगे। क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है कि निम्नलिखित में से कौन गैर जनजातीय भाषा है। एकदम क्वेश्चन आएगा आपको, विश्वास कीजिए हम पर, कि निम्नलिखित में कौन गैर सदानी भाषा, सीधे समझ लो ना। निम्नलिखित में देखो, मैं क्वेश्चन ही देता हूं, निम्नलिखित में सदानी भाषा है, ठीक है। ए में आपको दे दिया कुरमाली, बी में खरिया, सी में हो, और डी में सभी। इस तरह से क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये टॉपिक। तो निम्नलिखित में कौन सदानी भाषा है, सदानी भाषा कौन कौन है? देखिए, एक है खोरठा, पंच परगनिया, नागपुरी और कुरमाली, चार ही है ना। तो आप देख लीजिए, कुरमाली है सदानी भाषा, ये मेरा हो गया। खरिया नहीं है क्योंकि ये जनजातीय भाषा, हो नहीं है, और ये सभी नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। एक ट्रिक मैं तैयार किया हूं, चलते फिरते मैं एक ट्रिक बनाया हूं इसको याद करने का, कि इन पांचों को कैसे याद किया जाए, इन चारों को कैसे याद किया जाए। चलिए मैं ट्रिक बताता हूं। चलिए, इसका है हमसे
सीखो क ख, हमसे सीखो क ख, ये ट्रिक है इसका। यहां पर फ्रेंड्स ये गौन हो जाएगा, सीखो गौन हो जाएगा, ह से हसे हो, मसे मुंडारी, ससे संथाली, कसे कुड़ुक और खासे खड़िया। हो गया ना आसान, बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी। हमसे सीखो क था, सीख रहे ना क था, तो जिस तरह से हम लोग सीख रहे हैं ना उसी प्रकार से ये ट्रिक है। हमसे सीखो क था, अब सीखो को गौन कर देना है, हमसे बनाना है और क था से बनाना है, यानी पांच हो गए। इस पांच से इसका ट्रिक है, याद हो जाएगा एकदम कंप्लीट। आगे हम बात करते हैं इसका, इसका ट्रिक बात कर लेते हैं कि इससे चार भाषा को कैसे याद करेंगे। खोरठा से कंपन होता है, खोरठा से कंपन होता है, ये ट्रिक है याद करने का। खोरठा से कंपन होता है, यहां पर खोरठा तो रहेगा ही, से और होता ये दोनों को गौन कर देना है। कौन कौन आएगा, खोठा आएगा और कंपन आएगा, तीन और एक चार हो गया। कैसे बनेगा बता रहा हूं, खोठा तो खोठा ही है ना, कंपन क से क्या बना, कुरमाली, ख से सॉरी क से कुरमाली, प से पंच परगनिया, न से नागपुरी, बाकी ये खोटा है। आसान ट्रिक है, याद हो जाएगा बिल्कुल, मुझे विश्वास है। कंफ्यूज करता है फ्रेंड्स, ये हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा, आपको लगता है बिल्कुल आसान है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, एकदम पकड़ है आपको तभी, नहीं तो आप नया नहीं सीख रहे हैं, नया तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसके चलते मैं आपको ट्रिक बता दिया हूं कि जनजाति भाषा नौ टोटल भाषा है, पांच और चार नौ है, टोटल हो गए कितने नौ, ये भी पूछा जाता है, ये भी सवाल आता है कि झारखंड के जो झारखंड की भाषा है वो टोटल जनजाति और क्षेत्रीय मिलाकर के कितने हैं, ठीक है तो नौ है। अलग से भी पूछता है कि जनजाति भाषा कितने हैं, तो पांच है, और गैर जनजाति कितने हैं, तो चार है, ये दोनों अलग कर करके भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हमको, है ना, झारखंड के भाषा को दो भागों में बांटा गया है, दो रूपों में बांटा गया है, एक तरह से पांच भाषा एक तरफ है, जनजातीय भाषा की तरफ पांच भाषा है, और गैर जनजातीय यानी कि जो सॉरी जो सदानी भाषा है उसके तरफ चार है। तो पांच और चार नौ हो गए, ये पांच वाले के एक साइड याद करेंगे, हमसे सीखो का खा है ना, सीखो का हटा देना है, बाकी ये सब एक तुरंत याद हो जाएगा। और इधर का ट्रिक है, खोटा से कंपन होता है, तो कंपन और खोटा ये दो से बनाना है इसको, तो कंप्लीट आपको याद हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स खोरठा की, बात करेंगे खोरठा का क्षेत्रीय रूप, बात करेंगे खोरठा का क्षेत्रीय रूप। खोरठा तो है ही है फ्रेंड्स, खोरठा को अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार से बोले जाते हैं, तो क्षेत्रीय रूपों में बांटा गया है, खोरठा को सात क्षेत्रीय रूपों में बांटा गया है, और सातों खोरठा जो है अलग अलग तरीके से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं एक दूसरे में अंतर पाया जाता है। जैसे हिंदी, हरियाणा में भी हिंदी चलती, आप राजस्थान चल जाओ वहां पर राजस्थानी और हिंदी को मिक्स कर दिया है, हरियाणा में भी हरियाणवी और हिंदी को मिक्स किया है, दिल्ली में कुछ और बोलते हैं हिंदी के साथ, तो उस तरह से हिंदी है लेकिन थोड़ा सा वहां के लैंग्वेज को उसमें मिक्स कर देता है, तो उसके रूप को थोड़ा सा बदल दिया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ जिला वाइज रूप को बदला गया है। तो क्षेत्रीय रूप में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सात रूपों में बटा गया है। सबसे पहले सी खरिया खोरठा,
खुरठा, सिखरिया खुरठा। ये कहां कहां बोला जाता है फ्रेंड सिखरिया खुरठा? तो यह झारखंड, झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पर ज्यादातर बोला जाता है। और उसके आसपास क्षेत्र में झारखंड और बंगाल के बॉर्डर के आसपास और उसके क्षेत्रों में ये सिखरिया खुरठा बोला जाता है। और बिहार से भी सटा हुआ है, झारखंड बिहार और बंगाल जहां पर सट जाते हैं उधर भी एक सिखरिया खुरठा बोला जाता है। दूसरा में है फ्रेंड्स, दूसरा है खास पहला खुरठा। ये कहां बोला जाता है फ्रेंड्स? ये चास बोकारो, चास बोकारो और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोला जाता है। ठीक है, दो समझ गए। तीसरा है गोलवारी खुरठा, गोलवारी खुरठा। यह आपको खैरा, चातर और पेटवार आदि क्षेत्रों में बोला जाता है और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोला जाता है। चौथा है रामगढ़िया, रामगढ़िया खुरठा। छतरपुर, मांडू, काकेवर क्षेत्रों में बोला जाता है और उसके आसपास क्षेत्रों में बोला जाता है, बोली जाती है, ये भाषा बोली जाती है, सॉरी। देखिए देवघरिया खुरठा, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका और इसके आसपास के क्षेत्रों में। छठा हो गया मघी खुरठा। मघी खुरठा कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और इसके आसपास के क्षेत्रों में। और सातवां है हजारी बाग, हजार खुरठा, हजारीबाग तथा उसके आसपास क्षेत्रों में। तो खुरठा का क्षेत्रीय रूप, एक क्वेश्चन तो आपको हर एक एग्जाम में आता है, जो भी तृतीय चतुर्थवर्गीय जो एग्जाम झारखंड में होते हैं, यहां से एक सवाल एकदम निश्चिंत है, गारंटी है
कि आएगा ही आएगा, चाहे वो जनजातीय भाषा से दे दे, चाहे तो खोटा का रूप से दे दे, है ना। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है वो समझिए पहले। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं कि सिखरिया खोटा कहाँ कहाँ बोला जाता है, झारखंड, बंगाल और बिहार भी इसमें जुटा हुआ है फ्रेंड्स, के बॉर्डर के आसपास और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोला जाता है। कौन बोला जाता है? सिखरिया खोटा। दूसरे में है खास पहला खोटा। खास पहला खोटा चास बोकारो, ये बोकारो ध्यान रखिएगा आप, चास बोकारो और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोला जाता है। तीसरा जो फ्रेंड्स वो गुलवारी खोटा है, गुलवारी, खैरा, चातर और पेटवार, ये तीन चीज याद रखना है और इसके आसपास के क्षेत्रों में बोला जाता है। चौथा रामगढ़िया, रामगढ़िया खोटा छतरपुर, मांडू और काकेवर में बोला जाता है। पांचवा जो है देवघरिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमेशा पूछा जाता है, पूछने वालों में से मैं बताऊंगा कौन कौन आता है। देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका और देवघर के आसपास के जो जिले हैं, साहेबगंज हो गया, गोड्डा हो गया, है ना, पाकुड़ भी है, उसके आसपास के जिले जो है दुमका है, इन क्षेत्रों में एक तरह से देवघरिया खोटा चलता है। मगही खोटा, मगही खोटा के अंतर्गत आपको आ गया कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और इसके आसपास के जो जिले हैं वो मगही खोटा के अंतर्गत आ जाते हैं। पलामू भी इसमें आ जाते हैं, है ना, पलामू भी है, पलामू, चतरा, है ना, तो सभी मगही खोटा इधर चलता है। आगे हजारीबागिया खोटा, हजारीबागिया हजारीबाग के आसपास के क्षेत्र में ज्यादा चलता है। हजारीबाग में आपको मगही ही चलता है, हजारीबाग के आसपास के क्षेत्रों में आपको हजारीबागिया खोटा मिल जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा आपको सिखरिया खोटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछता है, इससे आता है गोलवारी से आता है दो, और देवघरिया आता है तीन, और इधर से आएगा आपको इसमें, इसे पूछेगा कि गिरिडीह में कौन से खोटा बोला जाता है या तो पलामू में कौन से खोटा बोला जाता है। तो एक देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन है, इसको आपकी करना जरूरी है, हालांकि याद आपको सातों करना है, लेकिन मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ, गोलवारी हमेशा पूछा जाता है और सिखरिया हमेशा पूछा जाता है, और इसके बाद में देवघरिया भी, एक एग्जाम में रामगढ़िया भी आया था। तो इस तरह से हम खोटा के जो क्षेत्रीय रूप है साथ उनको रट लेंगे और रट करके उनके क्षेत्र को भी रट लेंगे, ताकि फ्रेंड्स की इससे रिलेटेड ये है, एग्जाम में दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि देवघरिया खोटा कहां बोली जाती है, समझ गया ना। चलिए एक दो पॉइंट और है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, किस खोटा क्षेत्रीय रूप को छींका छींकी भी करते हैं, छींका छींकी, देखिए किस खोटा क्षेत्रीय रूप को छींका छींकी, सॉरी ये छींका है ना, छींका छींकी, छींका छींकी भी कहते हैं। तो कौन से खोटा रूप को छींका छींकी कहते हैं, इसका आंसर होगा देवघरिया खोटा। देवघरिया खोटा को फ्रेंड छींका छींकी खोटा भी कहा जाता है, तो ये याद रखेंगे, ये आ सकता है एग्जामों में, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, कि देवघरिया खोटा, ये दोनों एक इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। छींका छींकी किसे कहते हैं, तो देवघरिया खोटा को, पहला सवाल था। दूसरा सवाल है, खोटा के कौन से दो रूप, खोटा भाषा के कौन से दो रूप एक समान है, खोटा भाषा के कौन दो रूप एक समान है, तो इसमें इसका आंसर होगा सिखरिया खोटा और खास पहला खोटा। ये दोनों का रूप जो है लगभग लगभग एक समान है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिखरिया खोटा और खास पहला का खोटा का जो है रूप है दोनों लगभग लगभग एक समान है, मिलता जुलता है। और यहाँ पर खोटा क्षेत्रीय भाषा में इसको देवघरिया खोटा को क्या कहा जाता है, तो एक तरह से छींका छींकी खोटा भी बोला जाता है इसको। तो दो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है जो आपको नए नजर आएंगे, और बाकी तो आप जान सकते हैं, जानते भी होंगे कुछ न कुछ,
तो फ्रेंड्स ये आज मैंने तैयार किया था खोटा से संबंधित और खोटा के और झारखंड की जो भाषा है उन भाषा से संबंधित ये वीडियो में बनाया था। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक मैं तैयारी कर लेता हूँ कुछ अगले वीडियो के लिए और फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए इतना समय देता हूँ तो आप लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप खुद पर निर्भर हो लेकिन आप अगर मेरे वीडियो को देखते हैं तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं वीडियो दो फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट।